तो गाइस जैसा कि हमने आपको सुना, जल्दी भागो यहाँ सांप है, सांप है, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी हटो हटो यार, हटो तो सांप है यहाँ पर, हटो। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नेफरिस्टो व्लॉग में। आज की वीडियो हम यहाँ की बावली को दिखाएंगे, जो यह दूसरा पार्ट है सिकंदर लोदी मकबरे का। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। यह पूरी बावली आप देख रहे हैं, पूरी लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। इसकी लंबाई और चौड़ाई काफ़ी अधिक बनाई गई है और ये काफ़ी गहरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीच में पानी संरक्षण के लिए कुआं की तरह बनाया गया है, जैसे हर बावली में बनाई जाती है। तो गाइज़, अगर आप यहाँ से नीचे जाते हैं तो आपको तकरीबन 100 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं बावली के सबसे निचले वाले हिस्से में जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बावली की सीढ़ियाँ कितनी चौड़ी बनाई गई हैं। उसके बाद अब जैसे ही नीचे आएंगे तो बावली की जो सीढ़ियाँ हैं वो धीरे धीरे पतली बनाई गई हैं। गाइस, हम यहाँ से आपको बावली की स्थापत्य शैली को दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये बावली यहाँ से आपको काफ़ी गहरी दिखाई देगी। यह तकरीबन ज़मीन से जो इसकी गहराई है करीब 60 फीट के अंदर इसकी बताई जाती है, जैसा कि यहाँ पर एक बोर्ड में बताया गया है। आप यहाँ पर छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं, यह एक दूसरे साइड कुएं में जाकर कनेक्ट होता है। जब यह बावली भरती है तो कुआं भी धीरे धीरे भरता है। तो गाइज, हम यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक गलियारा बनाया गया है, इसके दोनों तरफ से दो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। एक यहाँ से बनाई गई है, यहाँ से आप सीधे ऊपर जा सकते हैं बावली के छत पर, और जो दूसरी सीढ़ी बनाई गई है उस तरफ है, तो आप दोनों तरफ से बावली के ऊपर जा सकते हैं। ये बावली आप यहाँ से सीधी तौर पर देख सकते हैं, यहाँ से आप पूरे परिसर को देख सकते हैं जो मकबरा बनाया गया है। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था, इस बावली के बगल में एक कुआं बनाया गया है, जो सीधे आप ज़मीन से इसमें पानी निकाल सकते थे। आप इसके चारों तरफ की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, काफ़ी गहरा बनाया गया था उस समय। ये लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके इसको जो दीवारें जोड़ी गई हैं उसे आप देख सकते हैं। नीचे खंडहर हो चुका है, वो पूरी मिट्टी विट्टी सब जमी हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये काफ़ी गहरा आपको देखने को मिलेगा। तो हम आपको दूसरी साइड में दिखाते हैं, जो यहाँ से नीचे से और ये बावली मेन है उससे कनेक्ट है पूरा कुआँ। तो देखिए, तो गाइस अब हम आपको इस गलियारे की स्थापत्य शैली दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे पिलर की तरह बनाए गए हैं, और सामने हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर एक मस्जिद के आकार का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों में मस्जिद और जो पूजा स्थल उनका होता था वह बखूबी उनके इमारतों में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप छत देख सकते हैं, जैसे कि पुरानी इमारतों में जो ऊपर का छत होता है काफ़ी फिनिशिंग दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा फिनिशिंग नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो गलियारे की लंबाई और चौड़ाई काफ़ी कम देखने को मिलेगी। ये आप एक सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह एक मशाल जलाने के लिए यूज़ किया जाता था। एक दो छेद बनाए गए हैं, या तो आप दिए जला सकते हैं या तो मशाल, ऐसे ही दूसरी साइड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, ऐसे ही बनाया गया है। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको सुना, जल्दी भागो यहाँ सांप है, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी हटो हटो यार, हटो तो सांप है यहाँ पर, हटो। हम लोग यहाँ पर अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, एक बड़ा सा सांप निकला और बिल में चला गया, हम तो डर के नीचे भाग आए हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था। दोस्तों, हम बावली के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पर दो गुंबद बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कपल लोग अपना नाम लिखकर कैसे राष्ट्रीय धरोहर को कितना नुकसान पहुँचाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा कुआं बनाया गया है। ये वही कुआं है जो मेन बावली और इस कुएं को एक नीचे जो गली है उससे कनेक्ट करता है। जैसे ही बावली का पानी उसमें बढ़ता है तो कुएं में अपने आप वो लेवल पानी का बढ़ जाता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से पानी निकाल सकते थे उस समय जब इस बावली को बनाया गया था। यहाँ पर देखिए कितने बहुत सारे नाम लिखे गए हैं जो कपल हैं। यहाँ पर देखिए RD किसी का नाम लिखा गया है। इन लोगों ने पूरे जो राष्ट्रीय धरोहर हैं उनको बहुत सारा नुकसान पहुँचाते हैं ये लोग। यहीं नहीं, बहुत सारी इमारतों में भी आपको देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे जो दीवारों पर रगड़ के नाम लिखते हैं। तो आप ये पूरी जो यहाँ का परिसर है देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेन मकबरा है उसके बगल में चार छोटे छोटे मकबरे बनाए गए थे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम कुएँ के अंदर की आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये वही जो मैंने आपको छेद बताया था जो मेन बावली से कनेक्ट है, वही चीज़ है ये, जैसा कि हमने आपको बताया था शुरुआत में। तो
गाइस अब हम आपको यह मस्जिद दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक कब्र बनाई गई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह किसकी कब्र है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो सिकंदर लोदी थे आकर नमाज अदा करते थे, लेकिन यह स्पष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता। तो गाइस आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।